पाँच किलो वाली गेहूँ मिले तो हम लोग परेशान है कि लड़कियाँ पढ़ाए कि खाना खाए, कोनो रोजगार नहीं है। सरकार बोल दिए लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब नोटा ने बात का बेटी बचाई का लड़की पढ़ाई। सरकार कह रही है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का काम किया है, क्या आप लोग अपने आप को सुरक्षित समझती हैं यहाँ प्रदेश में या नहीं? नहीं, सुरक्षित तो नहीं है कोई। सपोर्ट पढ़ा पढ़ा के पैसा कहाँ कहाँ से गरीबी में पढ़ा के एमएससी बीएससी करा के बीकॉम करा बैठा है, नहीं पढ़ रहे, न बच्चे लोग काम मिल रहा, खाली इधर उधर घूम रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए जितने चरण अब तक बीत चुके हैं, जिनमें आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है मतदाताओं को जागरूक करने का कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, मतदान फीसद बढ़ चुके। और क्योंकि जब मतदान की बात होती है तो उसमें सहभागिता पुरुषों की भी रहती है और महिलाओं की, जिन्हें आधी आबादी कहा जा रहा है। और ऐसे में देश की जो आधी आबादी है इनकी बड़ी भूमिका है सरकार को चुनने में। तो ये देश की आधी आबादी के साथ आज हम मौजूद हैं, यहाँ जो भदोही की महिलाएं हैं के मुद्दों को समझते हैं कि आखिर ये किन मुद्दों पर मतदान करने जा रही हैं और इनके इन्होंने इस बार क्या मन बनाया है। शुरुआत यहाँ से करते हैं, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, क्या मन बनाया आपने? मेरा मन ये है सस्ताई होगा तभी हमारा मन खुश होगा। तेज बोलिए अम्मा, सुनाई नहीं देगा। हर चीज तो महंगाई है, हर चीज के हम एकदम से परेशानी है। सिलेंडर के 5 किलो गेहूं दे दही लह लह पकावा, 1200 का सिलेंडर चलावा, कहाँ से हम लोग करें? पहले बोलिए कहाँ से करेंगे? हैं, रोजी ही किसी का है, रोजी मिलता ही नहीं है, हैं तो कैसे क्या करें? बोलो आप क्या कहेंगी? क्या आपको भी लग रहा है कि महंगाई एक परेशानी की वजह है? हाँ, महंगाई परेशानी की वजह है भैया। और कौन सी नहीं मिलता, 5 किलो वाली गेहूँ मिले तो हम लोग परेशान है कि लड़कियाँ पढ़ाए कि खाना खाए, कोनो रोजगार नहीं है, गैस 900 में बहाई है, तो बताओ कैसे चलाएगी रस्ते में। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं को सरकार कहती है कि हक देने का काम किया है, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर काम किया गया है बीजेपी की ओर से, क्या लग रहा है आप लोग खुश हैं इन कदमों से या नहीं? ऐसा है कि क्या खुश हैं, इतना ज्यादा महंगाई हुई है, बच्चे के नहीं लिखा पढ़ सकते हैं, एक दिन कमैया है तो 4 खमैया कैसे सफरेगा। और जो है कोटा के मिलता है तो 5 किलो गेहूँ मिल जाता, 5 किलो चावल, तो उतने में कई दिन अगल बच्चे खाएंगे, उससे कई दिन गुजारिश करेंगे। और बहुत परेशानी है, महंगाई यहाँ कदर को हो गया है, महंगाई से का साग सब्जी खरीदने का खियाए का किए, बच्चों का परवस्ती कैसे कर सके। अगर सिलेंडर इतना महंग हो गया है, एक के सिलेंडर है तो अच्छा ये बताइए, सरकारी योजनाएं हैं, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे राशन की आप बात कर रही हैं, आयुष्मान भारत योजना है, क्या इन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कहाँ मिला तो भैया, कुछ नहीं मिला था, सामान भले इतनी महंगाई मनाई का खा नहीं सकता। तो किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला आपको? कहाँ मिला भाई, कुछ ना है। लाभ यही मिला है कि जो गल्ला मिल रहा है, जो कुछ भी नहीं मिला, इतना ही मिला है कि जो इंसान को खा रहा है जी रहा, मगर ये है कि हम लोग को लड़के ना पढ़ाई के लिए भी बैठे हैं पढ़े पढ़ के, ना नौकरी मिल रहा ना कुछ मिल रहा, लड़के बर्बाद हो रहे, इधर उधर घूम रहे खेल रहे, अब ना खाने के मिल रहा है ना कुछ, पढ़ के बैठे हुए हैं। अब गरीब लोग तो खाना के लिए भी, मगर इसके 4 बच्चे राशन कार्ड में भी 2-2 4 लोग का नाम कट जा रहा है, जब कहा तो को जाओ ऑनलाइन करा, ऑनलाइन कराते कराते थक गया, कोई नहीं करता कि हाँ इसको ऑनलाइन सुनवाई नहीं हो रही, नहीं अभी कोई नहीं है। ज्ञानपुर तक हम लोग गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, ऑनलाइन में 2-2 3-3 लोग का नाम कट गया, 6 लोग का आयुष्मान कार्ड बनने के लिए, हम लोग जो बीमारी के लिए बनने के, कहीं 6 लोग का होगा तभी नहीं बना, 4 लोग का था, 2 लोग का नाम कटे नहीं बना, हम लोग वैसे बैठे बीमारी के लिए दौड़े, पैसा है तो दवा करे, नहीं है तो नहीं करे, बैठे हैं अपने पास। अच्छा, सरकार कह रही है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का काम किया है, क्या आप लोग अपने आप को सुरक्षित समझती हैं यहाँ प्रदेश में या नहीं? नहीं, सुरक्षित नहीं है कोई, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, सब परेशान है यहाँ पे, सब परेशान है, सबके बच्चे हैं, खाने पीने वाला काम धंधा नहीं हो रहा, रोजी रोटी नहीं चल रहा है, उसी के लिए हम लोग विकास चाहते हैं, जो अच्छा काम करे बढ़िया, वही सरकार हमको चाहिए। क्या लगता है कौन दूर कर सकता है महंगाई? जो करेगा उसको हम नाम बताएं, हमें जो करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, वही हम लोग का महंगाई दूर करेगा, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, बस यही हम लोग को बस। हाँ, जो हम लोग को बच्चों को नौकरी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई होगा अच्छे से, हाँ, और रोजी रोटी अच्छे से चलेगा, तो हम लोग देंगे उन्हीं को सपोर्ट। पढ़ा पढ़ा के पैसा कहाँ कहाँ से गरीबी में पढ़ा के एमएससी बीएससी करा के बीकॉम करा के बैठा है, नहीं पढ़ रहे, न बच्चे लोग काम मिल रहा, खाली इधर उधर घूम रहे। क्या किया आपके बच्चों ने पढ़ाई? बच्चा बीकॉम करा है, एक लड़की बीएससी करके बैठी हुई है।
नौकरी नहीं मिली, अभी कुछ नहीं मिला है। आवेदन किया है? आवेदन की थी, कुछ आए नहीं, कई बार तो फॉर्म भर डाला है, कई बार नहीं आया। ठीक है, आप बताइए कि क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या मन बनाया इस बार आपने? कुछ नहीं, हमारे को कुछ नहीं मिला, कुछ हमारे को दूठे लड़के हैं, हमारे पास कोई नहीं, खाली मांग जाट के खिला रहे हैं। वो दो बच्चे हैं, वो अपना मांग के इधर उधर से हम लोग के सब मांग मांग के जाती है, मांग के खाती है अपना। छोटे छोटे हैं दो बच्चे, उनको बस आदमी भी नहीं है, कोई भी नहीं है इनके सहारा देने वाला, कोई व्यवस्था मिल ही नहीं रहा है, खाली कर रहे हैं। मिला बस, इसके अलावा कोई चीज नहीं मिला। वो श्रम कार्ड बनवाया, उसमें भी किसी का पैसा आया, किसी के नहीं आया। तो आप लोगों ने स्थानीय स्तर पर कहीं जाकर शिकायत की है इस मुद्दे को लेकर? शिकायत बहुत लोगों का, ज्ञानपुर गए कि आयुष्मान कार्ड किसी लोग का आया, कि भाई 5500 दो बार आया, फिर इसी के बाद किसी का आया, किसी के नहीं आया, कोई आधे लोग का आया, आधे लोग का नहीं है, बनवाए उसमें भी 50-50 रुपया खर्चा कर। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाह रही हैं? किसको क्या लग रहा है लाएगा उसी को हम लोग करेंगे। फिर भी कोई एक चेहरा जो आप चाह रही हो कि इस बार प्रधानमंत्री बने? नहीं, जब वो आएगा तो चेहरा दिखाएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे अभी। आप बताइए, क्या कुछ मन बनाया है क्या? हाँ, मन बनाए मगर बताएंगे नहीं, अपना मतदान हम अपना छिपा, मतदान मत बताइए, लेकिन आपका मन क्या है कि इस बार किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जो अच्छा काम करे वही बनेगा, हम खोल के नहीं बताएंगे कौन बनना चाहता है, कैमरे पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, और भी जो महिलाएं हैं, सबसे एक एक करके उनके मुद्दों को समझने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार मतदान हो रहा है। आप बोलना नहीं चाह रही है कि कैमरे से पीछे जा रही है, जरा ये बताइए कि आप भी परेशान है या आपको लग रहा है कि विकास परेशान है? परेशान है, कोई विकास हम लोग के पास नहीं है, हम लोग एकदम है मजबूरी से, स्कूल में खाना बनाओ था वो पैसा नहीं मिला था, आंगनवाड़ी में खाना बनाओ थे 2000 हो गया, वो पैसा स्कूल बंद हो गया, वहाँ तक 2 महीना पैसा नहीं है हमारे। अच्छा, आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए तो संशोधन किया गया है, कुछ बदलाव करने की बात की? बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, मेहनत करे खटे खियावा, इतना महंगाई बा, सरकार बोल दिए लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब नोटे ने बात कहा बेटी बचाई का लड़की पढ़ाई बतावा, आए सिलेंडर फ्री में इतना मिल गया, वहाँ 500 का सिलेंडर है, इतनी समय 1200 को हो गया बात, तो अब 2000 में मने का करे, कितना लड़कियन बच्चन का मई ही का करी, ऐसा का मतलब ऐसा काम करवाए से भैया।